बात करते हैं सर। गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है। दीपावली के इस शुभ हफ्ते की शुरुआत शायद आप नए हाइज के साथ करें, और इस सफर में आपने अगर आप देखें अपनी कन्विक्शन कॉज के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इस चैनल पर दर्ज कराइए सर। गुड मॉर्निंग, आपकी आज की दीपावली पिक। और सर अभी कुछ देर पहले हम ITC के नंबर्स को रीड कर रहे थे, वेस्ट लाइफ डेवलपर्स के नंबर्स को रीड कर रहे थे, पूरे फार्मा में सिप्ला के दीवीज के नंबर्स को रीड किया, आपके इनमें से कॉल क्या रहेगी आज? गुड मॉर्निंग वीरिंदर, आपको भी और हेमंत को भी और सारे दर्शकों को दिवाली की शुभकामनाएं पहले एडवांस में। और न्यू हाइज आ गया है, तो जो पेसिमिज्म और जो फियर नहीं खरीद सके वो बैठे रहेंगे और वेट करेंगे कि कोविड बढ़ रहा है, प्रेसिडेंट आएगा। मार्केट्स आर फार मोर ग्रेटर देन ऑल ऑफ आवर विजडम, हमारी विजडम से बहुत आगे है बाजार। तो बाजार का आप आदर कीजिए, सम्मान कीजिए और खुशी मनाइए कि दिवाली आपको इतनी जल्दी आ गई और इतनी बढ़िया दिवाली आई है। सो आई थिंक ये सब नेगेटिविटी जो थी 8-6 महीने से, उसमें सबसे बड़ा पॉजिटिव रहा है शेयर बाजार, एंड दैट्स द वे इट शुड बी। आपके कमिंग टू ITC, मेरे को लगता है ITC में री रेटिंग इज इमिनेंट, क्योंकि द शिफ्ट इज नाउ श्योरली ऑन द कार्ड्स वेयर द FMCG बिजनेस इज टेकिंग सेंटर स्टेज। और जो हमेशा इस पे एक कैटेगराइजेशन आती थी ओनली ऑन सिगरेट्स, वो स्लोली बट श्योरली आपको एविडेंट है इन द FMCG नंबर्स। आप कोई भी कैटेगरी देख लीजिए, फ्रॉम अगरबत्ती टू बिस्किट्स टू न्यू लॉन्चेस ऑफ चॉकलेट्स, ITC इज इंक्रीजिंग मार्केट शेयर एंड मार्जिन्स, और जो लो एबिटा था वो अब हाई एबिटा में धीरे धीरे ट्रांजिट होएगा। सो ITC मेरे हिसाब से इज अ नो ब्रेनर, बट बिकॉज ऑफ द ESG एंड सो ऑन लोगों ने इसमें पेसिमिज्म की छाया दी है। मेरे को अभी भी लगता है 250 का इस फेयर वैल्यू है, दैट कुड बी वन ऑफ द टॉप पिक्स। ऑन फार्मा आई थिंक सिप्ला हैज टेकन द केक एज फार एज परफॉर्मेंस गोज अलॉन्ग विद DVs, बट यहाँ मेरा डार्क हॉर्स प्ले होगा सन फार्मा, वेयर वैल्यूएशन एंड जियोग्राफिकल रीच इज गोइंग टू शो यू आउट परफॉर्मेंस फॉर दिस दिवाली।